अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और मैं अपने आने वाले तमाम सब्सक्राइबर्स को, स्टूडेंट्स को रमज़ान कंप्यूटर एजुकेशन पर वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर चैनल को शेयर किया करें ताकि वो भी इस चैनल से मुस्तफीद हो सकें। तो आज चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। डिस्कस फार्मूला, सम, सम इफ, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, टेक्स्ट। आज इनके फार्मूलाज को देखेंगे। लास्ट टाइम हमने सम किया था, लेकिन आज आगे फर्दर कुछ फार्मूलाज करते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। कुछ मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देता हूँ और कुछ मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ और कुछ मैं ब्लैंक सेल्स। कुछ मैंने नाम लिखे हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, कुछ मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। इन पे देखते हैं आज हम फार्मूले। सबसे पहले सम का, फिर सम इफ, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और टेक्स्ट का। आज इनके हम देखते हैं फार्मूले। इक्वल टू सम किया, और लास्ट में मैंने बताया था आपने टैब प्रेस करना तो ऑटोमेटिकली वो कैपिटल भी हो जाएगा और ब्रैकेट भी लग जाएगी। तो आपने लेफ्ट एरो प्रेस करते हुए ड्रैग करना, ये ब्लिंक करेगा कर्सर, शिफ्ट और डाउन एरो से आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करें तब भी ठीक है, अगर ना भी करें तब भी ठीक है। आप एंटर प्रेस करें तो आपके पास सम आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं चेंजिंग करूँगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेंजिंग आ जाएगी। देखिए यहाँ पे भी मैं चेंजिंग करता हूँ, वहाँ पे चेंजिंग आ गई है। तो यही चीज़ आपको भी आनी चाहिए, ये प्रैक्टिस करें इसकी। उसके बाद सम इफ, सम इफ इसे डाउन वाला है, डाउन एरो करें। उसके बाद टैब, टैब प्रेस किया और उसके बाद आपने वो कह रहा है रेंज दे, तो रेंज आपने कहाँ से देनी है, रेंज आपने इधर से ही देनी है। उसके बाद कामा, जैसे ही कामा प्रेस किया क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गया, देखे नीचे। और अब यहाँ पे लिखना है कि डबल कोट में ऐसी कोई वैल्यू दो जो 50 से लेस हो, ब्रैकेट क्लोज, काम डबल को डबल कामा जो है ये डबल कॉलन क्लोज करने है और ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे 34 आ गए। देखिए यहाँ पे मैं 22 करता हूँ तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ऊपर भी चेंजिंग आई और 22 भी हो गया। ये ऐसी वैल्यू देखनी हो जो कि 50 से लेस हो तो वो वैल्यू आ जाएगी। इक्वल टू आगे काउंट, काउंट क्या करता है, काउंट नंबर्स को काउंट करता है। ये मैंने डाउन एरो प्रेस किया, एंटर प्रेस किया तो 9 नंबर लिखे हुए हैं, आप काउंट भी बेशक कर लें। उसके बाद काउंट ए, काउंट ए क्या करता है, नंबर और टैक्स दोनों को काउंट करता है, दोनों काउंट हो गए 13। देखिए 9 और 4 टेक्स्ट है। टेक्स्ट आप किसी भी नाम की फॉर्म में लिख सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, जैसे मैंने कहा तारिक, अहमद, अमजद और हसनैन लिखे नाम, तो आप कोई भी लिख सकते हो। ये टेक्स्ट पे मैंने फॉर एग्जांपल आपको दी है, ठीक है, ये जो डाटा है ना उस पर यूज़ होते हैं सारे। उसके बाद काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक यूज होता है थर्ड पे है कि देखना हो कि ब्लैंक सेल्स कितने हैं यूज़ हुए, तो वो एंटर, तो दो ब्लैंक सेल हैं, एक तो ये है और एक ये है। उसके बाद टेक्स्ट का फार्मूला, तो पहले मैंने आपको बताया कि काउंट ए क्या करता है, काउंट ए नंबर्स को काउंट करता है। ये मैं थोड़ा सा आपको इसकी टेक्स्ट का फार्मूला आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। काउंट ए क्या करता है, काउंट नंबर्स को काउंट करता है, और काउंट ए क्या करता है, नंबर और प्लस टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। जबकि टेक्स्ट का फार्मूला कैसे आएगा, ये देखें, काउंट ए
रेंज माइनस काउंट और रेंज, इस तरह आपके पास आएगी। अब कैसे, ये देखें, यहाँ पे मैं करता हूँ कि काउंट नंबर प्लस टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है माइनस, और ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। तो नंबर जो है वो नंबर से कट हो जाएंगे, ये नंबर इनकी कटिंग हो जाएगी इस नंबर के साथ, ठीक है। तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, हमारे पास पीछे टेक्स्ट रह जाएगा। तो यही हमारे पास, यही मैं बताना चाह रहा था आपको, काउंट ए नंबर और टेक्स्ट दोनों को करता है, जबकि काउंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। तो नंबर नंबर के साथ कट हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, टेक्स्ट। तो यही हमारे पास टेक्स्ट का फार्मूला है, वो हम वहां पे यूज करेंगे, इक्वल टू काउंट ए रेंज देंगे उसके ब्रैकेट क्लोज और कामा तो इसमें से माइनस कर देंगे हम काउंट को, काउंट ए में से दोबारा रेंज लेंगे, ठीक है, और एंटर प्रेस किया तो हमारे पास चार टेक्स्ट वो आ गए, देखिए चार ही हैं। तो ये मैं इसको फार्मूला इसको शो कर देता हूँ कंट्रोल, और आपने ये वन के साथ जो है वो टैब के ऊपर बटन है टाइल्ड का, वो आपने प्रेस करना है तो आपके पास सारे जो है वो शो हो जाएंगे फार्मूले। आप पूरी शीट को यहाँ से सिलेक्ट करो और डबल क्लिक कर दो यहाँ पे, तो आपके पास ये फार्मूले सारे के सारे शो हो जाएंगे। तो आपने ये सारे फार्मूले नोट भी करने हैं अपनी नोटबुक पे, और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। कल मैं आपको इससे अगले फार्मूले, इससे आगे जो है वो पाँच छः और फार्मूले वो बताऊँगा, और फिर स्टेप बाई स्टेप आपको ये सारे फार्मूले मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज हमारा यही टॉपिक था कि काउंट सम सम इफ काउंट काउंट ए काउंट ब्लैंक और टेक्स्ट का फार्मूला, और ये भी आप नोट कर ले ताकि आपको समझ रहे कि टेक्स्ट का आपने कैसे फाइंड आउट करना है फार्मूला। तो इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 3 एंड हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।